जो मेरे को निविया की तरफ से फ्री गिफ्ट मिला था। बहुत ज्यादा धूप है, पूरा ये फॉरेस्ट एरिया है। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। आई एम मोनिका एंड यू आर वॉचिंग रोहित मोनिका व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग ऐसा है कि आज का व्लॉग आएगा महाशिवरात्रि के ऊपर। आज है महाशिवरात्रि, तो हम जाने वाले शंकर भगवान के मंदिर में। ये वाला जो मंदिर है वो हाईवे पे स्थित है, मतलब हाईवे पे एज इन के ये वाला जो मंदिर है ये जंगल में है, जंगल में शंकर भगवान बैठे, हम वहां पे जाने वाले। ये वाला जो मंदिर है यहाँ पे भंडारा है एक्चुअल में, और यहाँ पे जो भंडारा होता है वो मेरे परिवार, मतलब मेरा परिवार, सिर्फ हम चार लोगों का परिवार नहीं है, बट मेरा जो परिवार है वो हम, मेरे पापा के पांच भाई और सबको मिला के हमारा एक परिवार बनता है। मतलब इट्स ऑलमोस्ट समझो कि 25 से 30 मेंबर्स हैं हम लोग। हाँ, 25 से 30 ही होंगे, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, बट यस, हम, मेरा जो परिवार है वो 25 से 30 लोगों का परिवार है। तो उनकी तरफ से यहाँ पे भंडारा है, बट यस, बहुत सारे यहाँ के लोग है जो लोग, सब लोग कॉन्ट्रीब्यूशन करके यहाँ पे सालों से भंडारा करते हैं, सभी को खाना खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। तो हम वहाँ पे जाने वाले, तो उसके लिए होते सबसे पहले रेडी, फिर निकलते मंदिर की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले लगाते हैं मॉइस्चराइजर। ये वो वाला मॉइस्चराइजर है जो मेरे को निविया की तरफ से फ्री गिफ्ट मिला था, तो मैंने फिर घर में इसको यूज कर लिया। मैं मस्कारा और कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बाहर जाके ना बहुत ज्यादा धूप है, तो मैं इसको हो सके उतना नेचुरली रखना चाहती हूँ। मेरे को हो सके उतना इसको नेचुरली रखना है, क्योंकि बाहर है ना बहुत ज्यादा धूप है, और मैं जाने वाली धूप में, ऐसा नहीं है कि मैं एसी कार में जा रही हूँ ऐसा कुछ, इसलिए मैं नॉर्मल तैयार होकर ही जाऊंगी। वैसे तो हाँ, मंदिर में जाते तो तैयार होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, बाहर जा रही तो नो चांस। करते चेंज। तो गाइज, एंड फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने ये ड्रेस पहन ली है। मेरा ड्रेस कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और अब जाते हैं मंदिर में। तो गाइज, रेडी हो चुकी हूँ, अब चलते हैं मंदिर में। मेकअप मेरे को ज्यादा कुछ करना नहीं, एकदम लाइट सा बेसिक सा करना था। आईज पे मैं कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी आंखें ऑलरेडी इतनी बड़ी है और आईलैशेस मेरी बहुत ज्यादा है, तो मेरे को आईज पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई शेडो कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा धूप है ना, मेकअप मेल्ट हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो चलो चलते हैं। तो गाइज, आज है महाशिवरात्रि, और ये देखो हम लोग आ गए फॉरेस्ट, पूरा ये फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ पे शिव मंदिर है, तो यहाँ पे आए। गाइज, हम लोग मंदिर के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, और ये फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। पे देखो खाने की कितनी ज्यादा लाइन लगी है। तो गाइस, दर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा लाइन है, ये देखिए। तो ये हमारे दर्शन तो हो गए थे, लेकिन धूप इतनी ज्यादा थी कि हम लोग यहाँ पे फ्रूट्स खाने के लिए रुक गए और फिर घर पहुँच गए। तो गाइज, मंदिर से आ गए थे, फिर घर पहुँचे थे। घर पहुँचने के बाद मैं सीधा सो गई थी, ये कुछ भी फेस वेस कुछ भी क्लीन नहीं किया था, इतनी थक गई थी, इतनी धूप थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, और फास्ट भी था ऊपर से। तो फिर मैंने मतलब अपनी नींद पूरी की, और अभी हो रहा है रात का टाइम, मैं सुन रही हूँ भगवान का गाना। भगवान का गाना सुनते सुनते मेरे को याद आया कि मैं व्लॉग को एंड करना भूल गई हूँ, तो चलो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो अगर डेली देखनी है, मेरे डेली व्लॉग, मेरी डेली लाइफ देखनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको डेली मेरे वीडियो जब जब इसमें आए तब तब आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।